अज़बल शमानज़ीम बिसमीम मेरे प्यारे बहन और भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बसानी आपको मिल सके आज जो मैं आपको अमल बताऊँगी ये मेरी एक बहन है अलहमदिल्ला वो अपने किसी प्यारे के साथ निकाह करना चाहती है और उसका पैगाम तक जा चुका है लेकिन वो इस चीज़ पर राज़ी ही नहीं उसकी फ़ैमिली ही नहीं राज़ी तो वो चाहती हैं कि उनकी फैमिली राज़ी हो जाए एक मेरे भाई हैं जो किसी से बेपनाह जो है उनस रखते हैं या प्यार करते हैं लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं वो बिल्कुल भी उनसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती है तो ऐसी बहन के लिए ये वजीफ़ा है जो ये वजीफ़ा बताए हुए तरीक़े से करे इन देखिएगा कि आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा करेंगे वो मकसद फ़ौर कामयाब होगा इस वजीफ़े में चीज़ों जो इस्तेमाल में होंगी उसमें आपको एक अतर जो आपके पास मौजूद हो या फिर कोई सा भी आप अतर इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर आपने ग्यारह काली मिर्चें ग्यारह काली मिर्चें आपने लेनी है और उस अतर में डाल देनी है ग्यारह काली मिर्चियाँ आपने लेकर अतर में डाल देनी है अब आपने क्या करना है कि जब तक आप मतलब कि ये अमल शुरू नहीं करते यानी कि अगर आपने सुबह को ये मिर्चें अतर के अंदर डाली हैं तो फिर आपने रात को अमल करना है अगर आपने रात को मिर्चें डाली हैं तो फिर आपने सुबह फजर के टाइम अमल करना है ठीक है यह तरीका है सूरज की गर्मी में या सूरज की जब किरण वाजिया हो तब वो अमल नहीं करना अब आप आपने क्या करना है अतर में जो मिर्चें आपने डाली हैं उनके ऊपर आपने जब आप मिर्चें डालें तो जिस मकसद के लिए आप आपल करें वो मकसद बयान करें आप अल्लाह पाक से फ़रियाद करें कि या अल्लाह पाक मैं इस मकसद के लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक है तो मेरा मकसद पूरा हो जाए जिस प्यारे के लिए मैं अमल कर रही हूँ मैं जायज़ काम के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा वो मकसद पूरा हो मैं निकाह के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मेरा मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाए अब आपने काली मिर्चों को जो है रात के वक़्त जो पढ़ाई करनी है वो गौर से सुन लें आपने सुरः कौसर को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ना है कितनी मिर्चें आपने ली ग्यारह मिर्चें ठीक है एक मरतबा सुरय कौसर पढ़ के आप विद करेंगे या वूद होगा कितनी दफ़ा विद वर... करेंगे ग्यारह मरतबा एक दफ़ा सुरय कौसर ग्यारह मरतबा या वूदू ठीक है अब आपने क्या करना है ग्यारह ग्यारह के हिसाब से आपने ग्यारह मिर्चे हैं तो ग्यारह ग्यारह के हिसाब से ग्यारह मरतबा सूर्य कौसर और ग्यारह ग्यारह के हिसाब से आपने या वुदू पढ़ना है पहले सूर्य कौसर फिर या वुदू ग्यारह मरतबा फिर सूर्य कौसर फिर या वुदू ग्यारह मरतबा और सेंटर में आपने क्या करना है जब आप सूर्य कौसर और या वुदू पढ़ लें तो फिर आपने पुकारना है आप पुकारने का जो तरीका है वो ग़ौर से सुने पुकारने का जो तरीका है या वुदू आपने जब ग्यारह मरतबा पढ़ लिया है जब वो ग्यारह मरतबा पढ़ेंगे तो लास्ट में जब आपने लास्ट ग्यारहवा वाला पढ़ा या वूदू तो उसके बाद पता आपने क्या कहना है आपने कहना है या जब्राइल या मिकाइल या इसराइल या इसराफील बाहुकम अल्ला हाज़िर शु हाज़िर शु और हाज़िर शो ठीक है अब हाजिर शो हम किस हाजिर करना चाहते हैं सुबह के टाइम या कल या दूसरे दिन आप जिस प्यारे को हासिल करने चाहते हैं सिर्फ़ उसका नाम लेंगे ये ना आप वालदा का नाम लेंगे कुछ भी नहीं लेंगे जिसको क्योंकि वो आपके दिल को जानते हैं ठीक है अगर आप उनको पुकारते हैं अल्लाह पाक के बाहुक्म से तो इनशाला वो आप तक पहुंच जाएंगे ठीक है तो आपने ये बात आपने मुकम्मल करने के बाद इसी तरह ग्यारह ग्यारह मरतबा आपने करना है करने के बाद आपने अच्छी तरह उन काली मिर्चों को इतना ज़ोर से हिलाना है दम करके कि वो बिल्कुल बेकरार हो जाए बेचैन हो जाए जैसे पानी के अंदर एक लहर एक इसतराब सा आ जाए ठीक है इस तरह आपने उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाना है ये हिलाने का जो जो काम है वो आप जब ग्यारह मरतबा पढ़ें तब जोर से हिलाएं जब आप दूसरी दफ़ा ग्यारह मरतबा पढ़ें या वो दो और नाम वगैरह लें तब इसी तरह आपने ग्यारह मरतबा करना है अब आप जब ग्यारह मरतबा करेंगे तो फिर आपने क्या करना है वो अतर की जो शीशी होगी जो जिसके अंदर आपने काली मिर्चें रखी होंगी आपने वो अतर की शीशी समेत आपने किसी ऊँची जगह रख कर तो आप आराम से किसी से बात किए बगैर सो जाएँ यह अमल आप लेट कर भी कर सकते हैं बैठ कर भी कर सकते हैं इसमें किसी किस्म की पकड़ नहीं है कि आप जाए नमाज भी करें आप किसी भी जगह पर बैठ कर सकते हैं अब आपने क्या करना है काली मिर्चों को तब तक अतर से नहीं मतलब के बाहर निकालना जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए फ़र्ज़ करें कि एक मकसद आपका सुबह के टाइम भी पूरा हो गया उस जिस भाई के लिए या बहन के लिए आप कर रहे हो वो उसकी कॉल आ जाती है या वो आपसे मान जाता है तो फिर आपने एक काली मिर्च निकाल कर जलानी है ठीक है अगर फ़र्ज़ करें आप चार पाँच दिन बाद वो फिर इसी तरह की हरकत कर रहा है या परेशान कर रहा है फिर आपने दूसरी जलानी है ठीक है इसी तरह करते करते जब आप पाँच छः जला देंगे आप देखिएगा फिर आपका प्यारा कभी ज़िंदगी में भी आपके पास से दूर चला गया तो आप अपनी बहन को कहिएगा ठीक है ये अमले ख़ास हैं ये ख़ास तरीके की जो मैं आपको अमल बताती हूँ ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बहुत ज़्यादा इनकी सुकात अदा करके तो फिर ही किया जाता है ये अमल मैंने जितने लोगों को दिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए आप भी ये अमल ज़रूर कीजिएगा और इजाज़त ज़रूर लीजिएगा अपनी बहन को याद रखिएगा जजाकल्लु ख़ैर